तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं जन्माष्टमी मेला, और ये और कहीं नहीं, ना ही सीकेपी में तो बहुत बड़ा होता है, ये जमशेदपुर का ही है और यहीं सामने है मेरा। तो हम लोग मम्मी के साथ चल पड़े। हम लोग को पता जब चला कि यहाँ पे जन्माष्टमी मेला हो रहा है, और यहाँ से देखिए दुकान वगैरह लगा हुआ है। हम लोग को पता नहीं था कि बहुत सारा दुकान लगेगा यहाँ पे, क्योंकि जब सुबह आए थे हस्बैंड जी लोग, तो उन लोग बोले कि हस्बैंड जी जब आए वो बोले कि एक दो लगा हुआ है, मगर अभी शाम जैसा हो रहा है ना, उस हिसाब से बहुत सारा दुकान लग रहा है। तो चलिए पहले हम लोग चलते हैं पंडाल की ओर, पंडाल पूरा देख लेते हैं कैसा क्या है, अंदर किसे मूर्ति है, सारा कुछ देखने के बाद हम लोग क्या क्या खरीदते हैं वो भी देखते हैं, और क्या क्या लगा है क्या क्या नहीं, और कितना रेट है यहाँ पे, ज़्यादा ये वाला मेला में ज़्यादा रेट है कम है दूसरा मेला के मतलब मुकाबले, तो हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे श्री कृष्णा भगवान अवतार लिए हुए, और यहाँ पे वो छोटे मतलब छोटे कृष्णा जी जैसे हैं, देख कितना सुंदर खूबसूरत, नीचे में छोटा कृष्णा जी यहाँ पे है जिनको पूजा किया जा रहा है, और इनके छोटे कृष्णा जी यहाँ पे को धरे हुए हैं। देखिए विष्णु भगवान, यहाँ पे शिव पार्वती, यहाँ देवकी नंदन जो श्री कृष्ण भगवान को लेके जा रहे हैं। तो हर एक अवतार दिया गया है यहाँ पे, कुछ कुछ का मुझे नहीं पता नाम अवतार सबका। तो यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी देखिए, मतलब हर एक जगह में जिस विषय में, जैसे ये देवकी नंदन जो थे वो जैसे माँ जब उनको कृष्ण भगवान होने वाले थे उसको भी मारने वाले थे, तो उस समय का ये दृश्य है, कुछ कुछ बनाया गया है। तो बहुत अच्छा लगा, मतलब छोटा मोटा मेला है मगर मैं छोटा मोटा नहीं बोलूँगी, क्योंकि जब मतलब आप लोग आओगे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए हम लोग बाहर निकलते हैं अभी प्रणाम नाम करने के बाद, और आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्या क्या है। तो साइड में देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत सारा ठेला वगैरह है, खाने वाने का दुकान है, कुछ मतलब देखिए मेला है, तो मेला तो जितना भी होता है मुझे लगता है लड़कियों के लिए ही होता है, यहाँ पे लड़का लोगों को कुछ काम ही नहीं होता, क्योंकि वो लोग खरीदते ही नहीं है कुछ भी ऐसा साइड वाला, सब लड़की लोग ही करती है। तो देखिए ये जो है हेयरवेल्ड बोलिए क्यारा बोलिए जो भी है, ये 50 रुपीज़ करके है। हम सोच रहे थे लेंगे निकल के लिए, मगर हम देख रहे हैं क्या ले क्या नहीं, क्या ले क्या नहीं, तो ये भी देख रहा था, तो 50 रुपीज़ करके है ये देख रहे हैं, तो हम बोले नहीं, नित्या नहीं बोली तो नहीं लिए। यहाँ पे हम इयररिंग्स देख रहे हैं जो कि अलग अलग रेट का है, तो मैं यहाँ से सोची कि चलो कुछ कुछ इयररिंग ले लेती हूँ, तो यहाँ पे मैं चलिए इयररिंग चूज करती हूँ, और क्या इयररिंग लेती हूँ आप लोग को तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जो जो मैं शॉपिंग करूँगी वो सारा आप लोग को वीडियो में दिखा दूँगी। देखिए बड़ी नीति यहाँ पे इंजॉय कर रही है और उसको बड़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट दुकान या नेक्स्ट खाने वाला स्टॉप कहाँ पे जाएंगे आपको पता नहीं, मैं तो ऐसे ही खाने वाला वीडियो नहीं बनाने वाली, क्योंकि नॉर्मली फिर सब कोई वही सब बैठा हुआ है खाएंगे, नित्या रहती है तो उसको ब्लॉगिंग करना मुझके बहुत मुश्किल होता है, उसको पकड़ के ये बड़ी मुश्किल होती है। तो इसी की वजह से चलिए हम लोग अभी नित्या को घूमने उमने देते हैं, और उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे कि हम लोग क्या खरीदेंगे। हमें खरीदने वाला बहुत सारा चीज़ है, 20, 30, 50, 40 एक सामान
आप लोगों को मैं जरूर दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे 20-30-40-50 ईयर और खरीदना बहुत मन करता है। मतलब कि 50 के अंदर कुछ भी सामान आना बड़ी इंटरेस्ट आता है, क्योंकि हम लोग तो जो 20 के सामान अंदर आता है ना वो बड़ी इंटरेस्ट आता है, क्योंकि 20-40-50 जो भी है ना वो छोटा मोटा हम लोग को रेट ऐसे ही हम लोग खा पी के उड़ा देते हैं। तो 20 रुपीस में कुछ सामान आ रहा है ये बड़ी मज़ा आता है, और मुझे तो बहुत इंटरेस्ट लगता है कि 20-30 रुपीस में कुछ भी मिल रहा सामान, जो कि उसका भी वो भी अच्छा से सामान बेच रहा है और हम लोग भी खरीद रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ कुछ सामान हम लोग खरीद लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। तो हम लोग चल गए आगे, आगे हम लोग ले लिए हैं आइसक्रीम, जो पता नहीं क्या बोलता है इसको, आइसक्रीम का नाम भी कुछ है। तो वो खाने के बाद हम लोग चलते हैं लीता के लिए कुछ बुक्स खरीदने। बुक्स खरीदने के बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे जिसको क्या मंगलसूत्र वाले ठेला में, और यहाँ पे भी है कुछ कुछ चीज़ ले लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारा नीचे पीछे में हम देखें लड़की लोगों को देख रहे थे। तो चलिए हम डॉक्टर मांगी और यहाँ पे नित्या है वहाँ को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए मम्मी और नित्या पीछे पीछे हैं, हम आगे आगे। और फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए ठेला लगा हुआ है, बहुत सारा ठेला लगा हुआ है, गुलदस्ता वगैरह सब कुछ है। तो कुछ कुछ चीज़ हम लोग खरीद रहे हैं, कुछ कुछ देख रहे हैं, कुछ कुछ आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे करते घूमते घूमते बड़ी मज़ा आया। छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, 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 छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, भीम, भीम। और हम लोग मेला घूम के आ गए, यहीं सामने हम लोग का मेला लगा है, हम कुछ सामान लिए हैं आप लोग को दिखाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, आप लोग के साथ मैं शेयर की हूँ एक छोटा सा मिनी सा ब्लॉग, और वो है कि यहाँ पे जन्माष्टमी का मेला लगा हुआ है और वहाँ पे हम लोग जाके बहुत इन्जॉय किए। मैं स्टार्टिंग से कुछ ब्लॉग नहीं बनाई थी, वहाँ पे जाने के बाद स्टार्ट की, क्योंकि हम लोग को जल्दी जल्दी जाना था। और कुछ कुछ सामान मैं ख़रीद के लाई हूँ, मैं आप लोग को वो सब दिखाऊँगी। तो मैं आप लोग को सारा कुछ एक एक करके दिखा देती हूँ क्या क्या लाई हूँ, आप लोग को कैसा लगा वो बताइएगा ब्लॉग में। और एकदम यहाँ सामने से है, हम लोग को चल के जाए थोड़ा, मतलब थोड़ा सा दूर है। और कुछ कुछ सामान बहुत अच्छा लाया है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा मेला है, पर अच्छा सामान वामान सब कुछ है। जानते हैं लड़की लोग को देखने से तो लेने का मन करता ही है। तो बस कुछ कुछ सामान खरीदे और अभी हम लोग वो सब खोलेंगे, आप लोग को दिखाएंगे। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो यहाँ देखिए दीदी भी आई हुई है, इस वाला वीडियो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे दीदी आई है, दीदी और बाबू आगे आगे हैं। तो यहाँ देखिए नित्या और बाबू को बैठा दिए हैं गाड़ी में, और हम लोग यहाँ पे इन लोग कुछ झूल रहे हैं। और आप लोग को मैं ना जितना भी सामान वाला वीडियो है ना, जितना भी जो ख़रीदी हूँ वो अलग सा वीडियो दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो हो जा रहा है वो सब दोनों। क्योंकि दीदी आई हुई थी, एक वाला वीडियो मैं ख़रीदी हूँ, और उसके पहले भी मैं गई थी, वो सब भी ख़रीद के सारा रखी हूँ। तो सारा सामान का जितना भी वीडियो है ना, इसके बाद वाला नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगी, ये वाला जितना घूमने फिरने का है ना वो दिखाऊंगी। और बाकी बात तो हम लोग क्या खाए खाए उसको तो मैं वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ था ना फ्रेंड्स, संडे के वजह से ज़्यादा। दीदी आई तो उस दिन संडे है, संडे के वजह से ज़्यादा भीड़ था, तो इसी के वजह से वो खाने पीने का कुछ ही ब्लॉग नहीं बनाई हूँ। सिंपल सा हम लोग कैसे जा रहे हैं पंडाल में, और पंडाल देखिए इतना खूबसूरत है ना कि क्या बोले, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे भी इतना, मतलब जमशेदपुर में पहले भी रहते थे, बट नई नॉलेज था कि इधर उधर होता है। तो मैं जिस मतलब पता चला तो अच्छा लगा। मैं तो सिक्किपी में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सिक्किपी में जन्माष्टमी मेला, वहाँ तो नहीं जा पा रहे हैं मगर यहाँ जा पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर देखिएगा मूर्ति भी बहुत अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है फ्रेंड्स। तो आप लोग ज़रूर अगर यहाँ पे आइए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को सारा कुछ दिखाऊंगी क्या क्या खरीदी। तो तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो इंतज़ार कीजिए, आने के लिए आज ही आएगा।